So, you know, Stevin is one of the most talented singers in our country. I really strongly believe it. मैंने और स्टेविन ने कोलैबोरेट किया था मेरे शो के लिए विच वॉज क्लास ऑफ 2017. ही हैड डन अ लॉट ऑफ म्यूजिक एंड सम अमेजिंग नंबर्स फॉर मी एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द स्टार ऑफ टुमारो. सो अगर मैं अभी उसकी पार्टीज में आऊँगा बर्थडे में तो वो कल मेरी पार्टीज में. इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ ईच अदर सक्सेसेस एंड ऑब्वियसली आई लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर आई लव सूफी एंड ही इज वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स. यू नो बैरल की एक खासियत ये है कि वो मेरे फ्रेंड को बिलोंग करता है. सो आई हैव टू ऑलवेज स्टैंड अप बाय माय फ्रेंड्स नो मैटर व्हाट एंड स्पेसिफिकली व्हेन दे हैव द मोस्ट अमेजिंग फूड एंड ग्रेट म्यूजिक यार हु विल नॉट कम. एंड यू नो डिजिटल मीडियम इज ट्रेंडिंग अ लॉट आई मीन सो आर यू प्लानिंग टू डू एनीथिंग इन द डिजिटल मीडियम राइट नाउ एट द मोमेंट. सी राइट नाउ यू हैव दिस रियली अमेजिंग इंडियन विकिमीडिया अवार्ड्स डिजिटल अवार्ड्स दैट आर कमिंग एंड वन ऑफ माय शोज आल्सो नॉमिनेटेड देयर कॉल्ड क्लास ऑफ 2017 एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज़ द एवेन्यूज हैव बिकम सो मच स्ट्रॉन्गर देयर सो मेनी वेब सीरीज इज कमिंग आउट. सो यार आई थिंक मैं ही क्या पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस समय इतने सारे वेब सीरीज इतने सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना रही है आई एम सो ग्लैड कि डिफरेंट स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट एवरीवन विल डू समथिंग और द अदर दैट विल एक्साइट देम एंड एक्साइट एवरीवन एल्स हु इज वॉचिंग इट. Yeah, my thoughts on the bad news that is coming back to back on Bollywood is that they are bad news, yaar. वो कोई भी बुरी खबर ना किसी को बता के तो आती नहीं है. चाहे वो श्री मैम की डेथ हो चाहे वो इरफान सर की क्या तबीयत खराब है वी डोंट हैव टू नो दैट. दैट्स बैड इनफ टू नो द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट वेल. शमी आंटी जस्ट पास्ड अवे. सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. सो हमें बुरा लग रहा है पर आई एम श्योर बुरी चीज़ें हर इंडस्ट्री में होती हैं. बहुत सारे लोग हमें छोड़ के जाते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ एक्सट्रीमली टेरेबल. आई वॉज सो शॉक बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे मुझे मालूम नहीं था शमी कपूर इज पास्ड अवे बिकॉज वी वर इनसाइड the house and no one kind of told me that he's passed away. There's so many memories attached to Shammi uncle because I have been a Prithvi boy since I've been in Bombay. So for me it was so shocking because I was watching Oscars and I suddenly saw Shri ma'am and then I saw Shammi sir thing there and I was like shit because it was so shocking that people actually forgot to tell me that while I was not here and I was inside the house Shammi Kapoor passed away. So I think there's so much that is happening that we do not get to know and so many bad news are happening but along with that there's good also. So good and bad will always be balanced. We can only pray that the people who have left us are resting in peace and people who they have left behind are strong enough to take it. No, I don't want to comment on that controversy because I wasn't there. Yes, what I have seen and I don't appreciate it, but the relationship that they shared before that incident happened, I'm not aware of it. A lot of people are the father and the girl things, it's fine. So I do not know, I'm not the right person to comment on the Papon controversy. Thank you so much. मैं विश ही करने आया था एक्चुअली इधर ओवर हियर. सो दैट्स व्हाट एंड अभी परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हैं. बहुत मज़ा आता है देखने में. सो इट्स ऑलवेज यू नो वी ट्राई टू सपोर्ट एंड हम आते हैं सारे के सारे चाहे थके भी होते हैं बहुत ज़्यादा ही वो वी डेफिनेटली कम एंड सपोर्ट. तो आई डोंट पार्टी मच मैं इतना नहीं पार्टी करता एक्चुअली में बट यस डेफिनेटली ओवर हियर टू विश द पर्सन द बर्थडे. सी बैरल हैज बीन आई थिंक हमारा तो हो गया है हम तो आते रहते हैं बैरल इधर. सो इट्स लाइक एवरी डे इज थिंग एवरी वीक थिंग आई शुड बी सेइंग. मैं अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं इतना नहीं आ पा रहा हूँ फिलहाल बिकॉज आई बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया. सो बट यस जब भी पॉसिबल होता है अभी जैसे बॉम्बे में था अभी फॉर टू डेज सो आई थॉट दैट ओके फाइन आई शुड बी कमिंग ओवर हियर. सो इंटरेस्टिंग दैट्स व्हाट. हाँ मैं पहले बाल बढ़ा रहा हूँ यार अभी तो फिलहाल एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़े से वापस उस शेप में आ जाऊँ जो मैं पहले से ही था. सो आई एम ऑन अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ. सो इट्स गोइंग ऑन दैट्स व्हाई आई एम नॉट लाइक क्लिकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो राइट नाउ एंड नॉट कमिंग आउटसाइड सो सून बिकॉज इट्स इट हैज टू कम राइट नाउ. सो आई वॉन्ट पीपल टू एक्चुअली सी द ट्रांसफॉर्म मी कम्प्लीटली आफ्टर अ मंथ और मे बी आफ्टर टू मंथ. सो दैट्स व्हाट इट्स गोइंग ऑन अंडर द प्रोसेस.
अरे अभी उसके बारे में कुछ नहीं है, मैं बर्थडे के बारे में बात करना चाहता हूँ अभी इस बारे में नहीं। It's just I've partied with him, that's it, nothing more than that, that's it. कभी ऐसा नहीं बोला, ना ही है मैंने बोला ऐसा कुछ, तो इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स अ बर्थडे, सो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दैट राइट नाउ, द बर्थडे पार्टी, राइट? सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।